हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है एक जनरल जो क्वेश्चन आपने मेरे से बार बार टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बार बार आप फोन करके पूछ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके आंसर जो है वो देने वाला हूं। जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपका कोई भी डाउट इसके बाद पेंडिंग रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सारे डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो आपने अपने कॉलेज जो ग्रुप्स होते हैं, जो आपके बाकी जो साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करनी है। सो जो भी मैं अवेयरनेस इस वीडियो के थ्रू आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो अवेयरनेस सारे स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुंच जाए और आपकी तरह जो अदर स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज हैं उनका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। सो सबसे पहली जो बात है कि पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा था कि पेपर जो है वो अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, पेपर अभी पीपीएससी रिसेंटली कैंसिल कर दिया तो क्या होगा। सो घबराने वाली बात नहीं है, अगस्त एंड तक ये पेपर दोबारा से शेड्यूल होने वाले हैं। हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे वैकेंसीज जेई और एई की वैकेंसीज आ रखी हैं। और हुआ क्या है कि अभी जुलाई में भी एग्जाम्स आ गए हैं, अगस्त में भी एग्जाम है और आगे एई की जो वैकेंसीज वो भी आ चुकी हैं। सो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, आपको ये लग रहा है कि शायद प्रिपरेशन अभी नहीं हो पाएगी। सो आपको ये समझ नहीं आ रहा आप कौन से एग्जाम के ऊपर टारगेट करें तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है अभी अपना पढ़ना जो है वो जारी रखें। अगर अपने पढ़ना अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है तो पढ़ना अपना जो है वो स्टार्ट कर दें। बिकॉज अगर आपका चाहे अभी एग्जाम भी है और अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी है, चाहे आप पहले पिछले टाइम से तैयारी करते आ रहे थे, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कंटिन्यूटी बनाने का। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस कोविड की वजह से कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो चुकी है। पीछे दो तीन मंथ्स में बहुत ज़्यादा एक रेगुलरिटी स्टूडेंट के बीच में बन चुकी थी, बट अभी फिर टाइम एक ऐसा स्टॉप, फुल स्टॉप मेरे को दिख रहा है। जितने बच्चों से मेरी बात हो रही है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जो है पढ़ना छोड़ दिए हैं। सो मैं आपको ये सबको पर्सनली गाइड करूँ, पढ़ना नहीं छोड़ना है। टाइम कम हो ज्यादा हो हमें एफर्ट जरूर करना है। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ ये वेट करते हैं जब एग्जाम की डेट आएगी, नोटिफिकेशन डेट आएगी, उस दिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप एग्जाम की डेट, नोटिफिकेशन डेट की वेट कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में सिर्फ आप रिवीजन अच्छे तरह से कर सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और ये सपना देख रहे हैं कि आपको इस कोविड के टाइम पीरियड पे जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लेनी है, जैसे ये कॉमन सिनेरियो उस टाइम बन चुका है। हर बच्चा आपके आसपास सिनेरियो, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी नेबर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पीरियड पे वही लोग जो है सबसे ज्यादा जो स्टेबल थे जिनके पास गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब थी। सो आपका भी कहीं ना कहीं मेरे को पता है अभी ये इंक्लिनेशन है कि आप भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में जाना चाहते हैं, बट शायद आप ये भूल गए हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लेने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देना होता है। गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि कभी एग्जाम डिले हो जाते हैं, जनरली जो होता है ऐसा टाइम पीरियड नहीं देखने को मिलता है, बट कोविड की वजह से बहुत सारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है। बहुत सारे एग्जाम्स के जो शेड्यूल है वो अपसेट हो चुके हुए हैं, बट आपको अपसेट नहीं होना है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और पढ़ना अपना जो है वो जारी रखना है। जिन्होंने अभी पढ़ने के बारे में सोचा नहीं है और ये सोचते हैं कि हम लोग जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हम जो है प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करेंगे, सो बच्चे ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पहले से ही उसकी तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इधर उधर की बातों में मत आएं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको शायद आप जानते हैं, वो सारे वही स्टूडेंट्स होंगे जो पिछले एक लंबे समय से, 6 मंथ से, 1 ईयर से जो तैयारी करते आ रहे होंगे, वही स्टूडेंट जाके फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले 2-3 महीने में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एक रिदम बना लिया था, बट अभी सबने पढ़ना बंद कर दिया है। बट जो स्टूडेंट पढ़ता रहेगा, कंटिन्यूस तैयारी करता रहेगा, वही स्टूडेंट जो है फाइनल जो सिलेक्शन ले पाएगा। तो पिछले समय में JKSSB के एग्जाम निकले, JKPSC के ही एग्जाम निकला, PPSC जेई ने वैकेंसीज निकाली, PSPCL, PSTC में वैकेंसीज आई, HPPSC में वैकेंसी आई, HPSSC में वैकेंसीज आई हैं, चंडीगढ़ BR के थ्रू वैकेंसीज आई थी, बहुत सारी डिफरेंट वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर की, सिस्टम इंजीनियर की देखने को मिली। बट क्या है कि अभी एग्जाम कोविड की वजह से डिले होने की वजह से आप सब ने जो है पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। जितने स्टूडेंट से मेरी बात हो पा रही है सारे स्टूडेंट्स का मैंने सिनेरियो देखा यही है कि वो अभी वेट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट आएगी तब उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आगे सोचेंगे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो बच्चे आपका रिदम टूट जाएगा अगर आप अभी से पढ़ना बंद कर देंगे, दोबारा से आप आके जीरो पे खड़े हो जाएंगे। ये बात मेरी मान लो, अगर
प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तैयारी जो है वो आपकी चलती रहेगी। सो प्रैक्टिस कंटिन्यू अपनी रखो, बिना प्रैक्टिस के जो है वो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। एट द एंड वही स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन लेता है जो अच्छी तरह से मन लगा के, कंसिस्टेंसी से, पूरा जोर लगा के और अपना 100% डिवोट करके जो है गवर्नमेंट सेक्टर के पेपर्स के लिए पढ़ता है, वही स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में सक्सेसफुल हो पाता है। सिर्फ सोचने से, करने से एग्जाम नहीं क्वालिफाई होते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सारी बातें साइड पे करके फोकस वे में पढ़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली बेसिस पे देखता आ रहा हूं, अननेसेसरी डिस्कशन वहां पे चलती रहती है, बार बार मैं वहां मैसेज करता रहता हूं कि पढ़ने के ऊपर फोकस करें, बट आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है। सो इसलिए मैंने सोचा वीडियो के थ्रू आपके साथ ये बात मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं। जो भी स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, जो आगे अभी एस्पिरेंट हैं, आगे सोच रहे हैं, जहां बहुत से स्टूडेंट मेरे को पता है इस टाइम पे जो प्लेसमेंट्स को लेके, अदर बातों को लेके जो है वो कंफ्यूज हैं, जहां डीमोटिवेट हो चुके हैं, प्लेसमेंट्स नहीं हुई हैं, जहां जिनकी प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं उनको अभी जो कॉल नहीं आ रही है, तो आपके लिए बच्चे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे जो फोकस करें। अभी गेट का एग्जाम आने वाला है, ESC का एग्जाम आने वाला है, इसरो का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें आप एलिजिबल होंगे, उन सारे एग्जाम की तैयारी आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। अभी इंजीनियर्स करियर ग्रुप में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमारे पास ऑनलाइन मोड में पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन मोड में पढ़ सकते हैं, और हम स्पेशल प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए अनाउंस करने वाले हैं। सो मैंने अभी आज डिस्कस करा है अपने फैकल्टी मेंबर से, सारे फैकल्टी मेंबर ने यही बोला है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबका रिदम ब्रेक हो चुका है। सो इस रिदम को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए, दोबारा जारी रखने के लिए एक प्रैक्टिस बैच आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। सो प्रैक्टिस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कंटिन्यूटी जो है बनी रहेगी। सो मेरी बार बार बच्चे आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ना मत छोड़िएगा। पढ़ना अगर छोड़ दोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके आपको बहुत नुकसान होगा। जितनी मेहनत आप पीछे करके आए हैं वो सारी आप जीरो कर लोगे। तो आपकी मेहनत अगर जीरो नहीं करना चाहते हो तो पढ़ना अपना जारी रखें। बाकी आपके कोई भी डाउट रहे, मन में किसी भी तरह का कोई भी किसी का कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, चाहे आप मेरे साथ जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी अपनी क्वेरी जो है वो आंसर ले सकते हैं। एग्जाम डेट को लेके, इन बातों को लेके चिंता छोड़ दो, एग्जाम होने हैं। पंजाब वाले बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है, डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि शायद एग्जाम नहीं होंगे, ये मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले ही बोला था एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं। सो तब भी आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं एग्जाम 100% ये होगा ही होगा। एग्जाम डिले जरूर हो रहा है, कैंसिल नहीं होगा। सो पढ़ना जरूर है, वो जारी रखें। फर्दर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप घर पे बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बेसिक सबसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू। आपको पूरा बेसिक से डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फर्दर कोई भी जानकारी के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के लिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855757442 पे जाके पूरी की पूरी जानकारी जो है आप कोर्सेज के बारे में, नए जो बैच है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।